এনসিইআরটির বইও এবার ইন্ডিয়ার পরিবর্তে লেখা হবে ভারত। প্যানেলে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে এনসিইআরটি। আপনি আরো জানাই এনসিইআরটি যে সমস্ত বই ইন্ডিয়ার পরিবর্তে এবার লেখা হবে ভারত, প্যানেলে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে এনসিইআরটি। আমরা এই বিষয়ে জানবো। নীরাজ পান্ডে আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে টেলিফোন রয়েছে। নীরাজ, নীরাজ জি, কিতাব মে ভি আব ইন্ডিয়া কি জায়গা ভারত লিখা জায়গা, ক্যা কুছ জানকারি হ্যায় আপকে পাস? जी शोभन, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के पैनल ने ये बकायदा अपनी सहमति दी है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें जो जहां पर इंडिया लिखा है उस जगह पर भारत लिखा जाए। और ये पैनल ने बकायदा अपनी रिपोर्ट देने के बाद एनसीईआरटी के पैनल ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, सहमत भी हो गई। और अब एक टीम का गठन होगा, ये टीम पूरे कंटेंट का एनालिसिस करेगी, उस पर पूरा मंथन करेगी और उसके बाद जहां जहां बदलाव की जरूरत होगी वहां पर इंडिया की जगह में भारत लिखा जाएगा। और यही नहीं बल्कि एनसीईआरटी के पैनल ने ये भी सुझाव दिया है कि कुछ भारत की जो अपनी वीर गाथाएं हैं, भारत के तमाम लोकल स्टेट वाइज बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा रहे हैं जिनके बारे में अब तक एनसीईआरटी की किताबों में उनको जगह नहीं दी गई है, उन्हें भी जगह दी जाए। तो एनसीईआरटी के पैनल ने एक बहुत लंबा चौड़ा सुझाव अपना एनसीईआरटी को दिया है जिसको एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, सहमत भी हो गई है। और अब उस पैनल के बाद एक टीम का गठन होगा जो पूरी किताबों का एनालिसिस करेगा और कौन कौन से वो कंटेंट हैं जिनको शामिल किया जाएगा, इस पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार होगी। जी सोमन, शुक्रिया नीरज जी। জাতপাতের নামে দেশভাগের চেষ্টা চলছে। দিল্লিতে রাবণ দহন অনুষ্ঠান থেকে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন যে বিশ্বে আজ ভারত সবথেকে বিশ্বস্ত গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। এই শুভক্ষণেই অযোধ্যায় রাম মন্দিরে প্রভু রাম বিরাজ করতে চলেছেন। স্বাধীনতার 75 বছর পর ভারতের ভাগ্যোদয় হতে চলেছে, কিন্তু এই সময় দেশকে আরও সতর্ক থাকতে হবে, কারণ জাতপাতের নামে দেশভাগের চেষ্টা করা হচ্ছে। দিল্লিতে দশেরায় রাবণ দহন অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस वृत्त विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करते हैं।